हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो टॉप 15 से 20 आपके वीकली करंट अफेयर्स हैं उनको हम आपके सामने यहां पर डिस्कस करेंगे। सो अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका तहे दिल से दोस्तों स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। A very warm welcome again to everyone in this particular session. So guys, इस session के अंदर मैं repeat फिर से कर दूँ, हम discuss करेंगे जो पूरे हफ्ते के सबसे important आपके current affairs हैं उनको, and कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ detail में दोस्तों समझाएँ। शुरू करने से पहले मैं request करना चाहूँगा, एक बार सब लोग ज़रा video को share कर दो, video को ज़रा एक बार सब लोग like कर दो, ताकि मैं समझ पाऊँ एवरीवन इज तैयार। गाइस, मैंने आप सबके लिए स्पेशली अब ये सेशन आपका 7 डेज कर दिया है। मंडे टू संडे आपका करंट अफेयर्स आएगा, संडे को आपका वीकली एमसीक्यू भी आएगा और वीकली एनालिसिस भी आएगा, ठीक है। अब बस आपको इसको प्रमोट करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक आपका वीडियो पहुँचे। इसके अलावा गाइस, 2.0 आपका आने वाला है। क्या है 2.0, ज़रूर देखिएगा एग्जाम सेंट्रिक पे और एग्जाम पूर चैनल पर। ये सुबह 11 बजे 25 अप्रैल को आपका लाइव होगा, तो इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा कि उस दिन ये कैसे होने वाला है और क्या है आपका 2.0। बाकी आपको यूज़ करना है MATA60 का कोड। देखो मैं रिपीट फिर से करूँ, COVID-19 या नॉन COVID-19 एग्जामिनेशंस होंगे, भले 1 महीने 2 महीने 3 महीने डिले के हों, पर एग्जामिनेशन होंगे। और ये उनके लिए स्पेशल मौका है जो थोड़े से वीक हैं या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि उन्हें 1 महीने का या 2 महीने का एक एडिशनल टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने का। और उस प्रिपरेशन में हमारे ये जो कोर्सेज हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो मॉक टेस्ट के ओवरऑल पैकेज के लिए, लाइव बैचेस हों, टेस्ट सीरीज़ हों, हमारी संपर्क मैगजीन हो, ड्रोन टेस्ट सीरीज़ हो, ईयरली पैकेज, वो सब कुछ आपको, हर एक चीज़ आपको 21 अप्रैल तक MATA60 कोड यूज़ करोगे तो आपको 60% ऑफ उस पर मिलेगा। मेरा एवेंजर बैच भी आपका आया है, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं वन बाय वन हमारे आज के करंट अफेयर्स, हमारे इस पूरे हफ्ते करंट अफेयर्स। एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ सही है और आपको मेरा वीडियो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, एंड आप सब ने वीडियो को लाइक भी कर दिया है और आप सब ने वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों को, दोस्तों जो है वो कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज की पहली खबर पर। वीकली एनालिसिस है हमारा, नासा सीक्स टू सेंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू द मून इन 2024। इस प्रोग्राम का नाम है आपका आर्टेमिस। इस प्रोग्राम के तहत दे विल नॉट ओनली लैंड द फर्स्ट वुमन ऑन द मून बट ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च करेगा पहले वुमन को और नेक्स्ट मैन को 2024 को। रिसेंटली आपका नासा न्यूज़ में था बिकॉज बिल नेल्सन जो हैं उन्हें दोस्तों नासा का नया एडमिनिस्ट्रेटर, नया नासा का चेयरमैन आपका जो है वो बनाया गया है। तो नासा विल सेंड द फर्स्ट पर्सन एंड द फर्स्ट वुमन ऑफ फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड द फर्स्ट वुमन बाय 2024। अब अगर यहाँ पर हम बात करें अगली खबर की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू महात्मा ज्योतिबा फूले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ज्योतिबा फूले ऑल्सो नोन एज महात्मा, द टाइटल ऑफ महात्मा वॉज गिवन टू हिम दी सोशल एक्टिविस्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑन May 11, 1888 बाय विट्ठल राव कृष्णाजी वंडेकर। बेसिकली इनका मेन फोकस एरिया था अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन एंड रिफॉर्म ऑफ द हिंदू फैमिली लाइफ, अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं का सशक्तिकरण और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार। इन कुछ मुद्दों पर इन्होंने दोस्तों जो है वो काम किया था। अपने समय में ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन अलॉन्ग विथ हिज वाइफ जिन्होंने एक वुमेंस ओरिएंटेड स्कूल आपका महाराष्ट्र में, उस समय के बॉम्बे में, उस समय के महाराष्ट्र में आपका ओपन किया था। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को ट्रिब्यूट पे किया आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है। यस, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अवार्ड किए हैं आपके AICTE लीलावती अवार्ड ऑन वुमन एम्पावरमेंट। नाउ पहली बात तो यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं उनका नाम है आपका रमेश पोखरियाल निशंक, बिल्कुल सही। उन्होंने AICTE जिसके चेयरमैन हैं आपके अनिल सहस्त्रबुद्धे, दैट इज़ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने लीलावती अवार्ड्स दिए हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपसे वो ये बनेगा कि किस टॉपिक पे दिए हैं, तो जो टॉपिक आपका है वो है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट पे आपके दोस्तों जो है वो अवार्ड दिए हैं और ये अवार्ड का नाम है आपका लीलावती अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। जो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है आपकी वो चिलका लेक में आपकी डबल हो गई है। पिछले साल 233 आपकी डॉल्फिन्स थी, जो अब बढ़कर आपकी 544 हो गई हैं। तीन तरह की डॉल्फिन्स आर फाउंड इन चिलका, इरावटी, बॉटल नोज और हम्प बैक डॉल्फिन्स। ये तीन तरह की डॉल्फिन्स आपकी वहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो डॉल्फिन बूम है उड़ीसा में चिलका लेक में, वो सबसे ज़्यादा बूम आपका आया है हम्प बैक डॉल्फिन्स में, जहाँ पर पहले दो डॉल्फिन्स थी और अब यहाँ पर 260 के ऊपर डॉल्फिन्स आपकी हो चुकी हैं इन दी हम बैक डॉल्फिन्स वर्जन। अगर हम चिलका लेक की बात करें तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, चिलका लेक का जो माउथ है वो किस रिवर में जाके खुलता है, कौन सी रिवर है जिससे चिलका लेक आपकी बनती है? आंसर बिल्कुल सही है आपकी, दया दरवाज़ा तोड़ो, दया रिवर से बनती है और ये इंडिया की पहली आपकी रामसर साइट थी। इंडिया की ये पहली आपकी रामसर साइट थी जो कि आपकी बेस्ड है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसका नाम है आपका चिलका लेक। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है और इस लेक का नाम है आपका चिलका लेक। चलिए, UAE ने नामित किए हैं दो एस्ट्रोनॉट्स को, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर वुमन फ्रॉम द UAE हु विल गो इनटू द आउटर स्पेस। इनके नाम हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, नंबर जो रूलर हैं आपके दुबई के, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं उन्होंने नामित किए हैं दो आपके एस्ट्रोनॉट्स को। इनमें पहले का नाम है आपका नूरा अल मतरूशी, जो कि यूएई की पहली आपकी एस्ट्रोनॉट महिला एस्ट्रोनॉट हैं, और दूसरे हैं आपके मुल्ला मोहम्मद मुल्ला, जो कि आपके फर्स्ट मैन बनेंगे। फर्स्ट मैन तो नहीं कहूँगा, ही विल बी अ पार्ट ऑफ द स्पेस मिशन। उसके अलावा आपके इनका महिला का नाम याद कर रख लीजिएगा, नूरा अल मतरूशी, ये फर्स्ट वुमेन बनेंगे एस्ट्रोनॉट यूएई की। और इन दोनों को अनाउंस किया है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि दुबई के आपके दोस्तों रूलर हैं। बिल्कुल सही, यूएई जो है वो आगे चलकर आपका मार्स पे भी प्रोब भेज चुका है, वो आपका मून पे भी लैंड करने की कोशिश करेगा। 2117 में वो एक स्पेस कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है मार्स पे, तो कई सारे काम UAE जो है वो कर रहा है। इससे पहले उसने एक बराक न्यूक्लियर प्लांट बनाया, उसको उसका ऑपरेशन स्टार्ट कराया, जो कि पहला एक आपका न्यूक्लियर प्लांट है इन दी अरब रीजन स्पेशली फॉर द UAE। तो कई रीजंस हैं आपके UAE के न्यूज़ में होने के। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नूरा अल मतरूशी इज़ द UAE's फर्स्ट वुमन एंड सेकेंड है आपके मोहम्मद अल मुल्ला। आगे बढ़ते हैं। ईरान जो है, और ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, बिकॉज इस खबर पे कई सारे खबरें बन सकती हैं। ईरान जो है उसने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं उनको अनवेल किया है। इसके अनवेल करने के तुरंत बाद इस साइट पर ब्लैकआउट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। अलेजिडली ये ब्लास्ट इसराइल ने किया था। उसके बाद इसराइल के इस अटैक के बाद एज पर ईरान ने जो उसका एनरिचमेंट है उसे अप टू 60% आपका कर दिया है। अगर वो 90% कर देगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कैपेबल आपका हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रेशर मूव है, बेसिकली ये एक स्ट्रेस देने की तरीका है, जिससे US जिसने कि कई तरह के आपके सैंक्शन लगाए थे आपके ईरान के ऊपर, उसको हटा दे और जो न्यूक्लियर डील है उसे वापस ट्रैक पर ले आया जाए। तो ये एक प्रेशर मूव है जो कि ईरान कर रहा है। हाउएवर जो आपके सेंट्रीफ्यूजर्स हैं उनके नाम हैं 164IR6, 30IR5 एंड 30IR6। ये डिवाइसेस हैं जो कि ईरान के नटांस यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में आपके लगाए गए हैं। और ईरान ने डिमांड किया है US को कि जितने भी सैंक्शंस ट्रंप ने इम्पोज किए थे दैट दो शुड फॉल इन लाइन एंड उसको सस्पेंड आपका किया जाए। इन सारे मुद्दों पर उन्होंने दोस्तों जो है वो एक क्लियर कट उन्होंने एक जवाब मांगा है।
एक ऐप है गाइस, जो कि ऐप आपकी बांग्लादेश में भी, जो कि ऐप आपकी बीजिंग में भी, कई जगह पर ये ऐप आपकी जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे जो मंशा है वो मंशा दोस्तों यही है, वो मंशा दोस्तों यही है कि हम कैसे अपने आप को और बेटर कर पाएँ। ठीक है, वो इसकी दोस्तों कोशिश है कि कैसे हम जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे कैसे प्रमोट कर पाएँ। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये बांग्लादेश में भी लॉन्च हुआ है और ये आपका दोस्तों बीजिंग में भी लॉन्च हुआ है। इस ऐप को जो प्रमोट कर रहा है वो है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिसर्च, ये इसको आपका प्रमोट कर रहा है। इस ऐप का दोस्तों जो नाम है दैट इज़ लिटिल गुरु। ठीक है, ये बांग्लादेश में भी और आपकी बीजिंग में भी, दोनों जगह ही। विष्णु प्रसाद महापात्रा जी, ये वीकली एनालिसिस है, ऑफकोर्स ये आपका पूरे हफ्ते का होगा। ठीक है, हाँ यार, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 103rd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी में। इस पर्टिकुलर कमिटी में उन्होंने कई मुद्दों पर दोस्तों आपका जो है वो डिस्कशन किया है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कि डिस्कशन हो रहा है और होता रहेगा। एक बार चाहूँगा ज़रा फटाफट सब लोग वीडियो को ज़रा शेयर कर दो, लेट्स क्रॉस 200 पीपल, फटाफट एवरीवन जल्दी ज़रा वीडियो को सब लोग शेयर करो जल्दी से एवरीवन। जी तो ये मीटिंग आपकी हुई, दिस वाज अ मीटिंग एजेंडा जो कि इंक्लूड किया गया आपका इसके अंदर, और ये मीटिंग आपकी जो है ये मीटिंग में आपके कई मुद्दे डिस्कस किए गए, चाहे वो आपका कॉमन फ्रेमवर्क था, कई मुद्दों पर दोस्तों जो है वो आपका यहाँ पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। क्रशिंग द कर्व मास्क वैक्सीनेशन कैंपेन, ये कैंपेन आपका जो है, ये कैंपेन आपका लॉन्च हुआ है। ये कैंपेन को लॉन्च किया है केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और इस कैंपेन का नाम है आपका क्रशिंग द कर्व। जो है, जो केरला का हेल्थ सेक्टर है उसने काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म किया है अपने फंक्शंस को, और इसके लिए 2020 में इट वाज अवार्डेड द यूएन अवार्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो इसी ने क्रशिंग द कर्व कैंपेन जो है उसको आपका दोस्तों लॉन्च किया है, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय केरला इटसेल्फ। सैयद मिनारी, जो इसका PDF है वो PDF आपको दोस्तों मिलेगा एग्ज़ाम सेंट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाके PDF इसका देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के अंदर मास्क अभियान आपका जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये जो मास्क अभियान है इसमें जो वायलेटर्स हैं इनको देना पड़ेगा फ़ाइन, 1000 रुपये से 2000 रुपये। पहले फ़ाइन आपका 1000 रुपये था और अब ये फ़ाइन आपका 2000 रुपये है, और अगर सेकेंड टाइम आप वायलेट करोगे तो यहाँ पर फ़ाइन वो आपका 5000 रुपये जो है वो करा दिया जाएगा, दे विल बी अ फाइन ऑफ ₹5000। आगे बढ़ते हैं। वोल्केनो जो है वो आपका इरप्ट हुआ है सदर्न करीबियन में। इस वोल्केनो का नाम है दी ला सोरीफ्री वोल्केनो, लोकेटेड इन द ईस्टर्न करीबियन आइलैंड, और ये 1979 से आपका डोरमेंट था और अब पहली बार 1979 के बाद दिस वोल्केनो हैज़ इरप्टेड। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के जस्टिस हैं RF नरीमन, उन्होंने कहा है कि द वर्ड प्रोपोगेट जो है अंडर आर्टिकल 25 गारंटीज द राइट टू रिलीजन, उसके खिलाफ अगर आप कोई पिटीशन लाओगे तो उसको हम मना कर देंगे। तो देर वॉज अ पिटीशन दैट वॉज गिवन बाय अश्विनी उपाध्याय फ्रॉम द BJP, एंड दैट पिटीशन वॉज फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि किसी के पास भी राइट है अपने रिलीजन को चुनने का, सो आर्टिकल 25 गारंटीज दैट पर्टिकुलर राइट, सो anyone हु wants टू profess एनी रिलीजन ही wants टू एंड ही इज़ अबव द एज ऑफ 18 इज़ रेडी और इज़ अलाउड टू profess एनी रिलीजन दैट ही wants टू हैव। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। इस आर्टिकल 25 को प्लीज़ एक बार ज़रा पढ़ लीजिएगा।
जो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, द खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका रोइंग का एक नया सेंटर जो है, दैट रोइंग सेंटर गाइज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एंड इन श्रीनगर, श्रीनगर में उसको दोस्तों जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है, और ये सेंटर को इनॉग्रेट किया है श्रीनगर के अंदर, और इसको इनॉग्रेट किया है किरण रिजिजू साहब ने, और जो जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। गाइस जम्मू कश्मीर न्यूज़ में है इसी वजह से, बिकॉज खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आपके जम्मू कश्मीर में हुए थे, गुलमर्ग में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, सॉरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स, माफ करिए, ये आपके जम्मू कश्मीर में हुए थे, और ये विंटर गेम्स को जीता भी आपके जम्मू कश्मीर ने ही था। तो ये सारे रीजंस भी हैं आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स के न्यूज़ में होने के। गाइस मज़ा आ रहा है क्या? मैं हर हफ्ते आपको वीकली एनालिसिस कराऊं करंट अफेयर्स का, एक बार ज़रा प्लीज़ फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यस सर यस सर यस सर, हमें रोज़ कराएं ताकि हमें फ़ायदा मिले। ये सेशन आपका रेगुलर आता है, मंडे टू संडे आता है, मंडे टू सैटरडे आपका आता है करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स, और संडे को इसी का आपका आता है, इसी गाइस इसी पर क्विज आपका इस शो के बाद 8 AM पे आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसलर अंशु मलिक, सोनम मलिक ने क्वालिफाई किया है आपका टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, सिंपल है। महाभारत के एक्टर थे सतीश कौल, इनका देहांत हुआ है एट द एज ऑफ 74, इनका नाम है आपका सतीश कौल। चलिए आगे बढ़ें। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट की SEC है, दैट इज़ दी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, और बाद में जो DCGI है, दैट इज़ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही दोस्तों स्पटनिक 5 जो कि आपकी एक रशियन वैक्सीन है, जिसे बनाया है गमेलिया इंस्टीट्यूट ने और जिसे फंड किया है आपका रशिया के इनडायरेक्ट फंड ने, इन दोनों ने ही दोस्तों जो है इस स्पटनिक 5 वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दे दिया है, एंड बाय दिस अप्रूवल नाउ इट इज़ द 3rd वैक्सीन आफ्टर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड टू बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी पर्पसेज इन इंडिया। इसके अलावा गाइज आपकी और वैक्सीन्स का भी अप्रूवल जल्दी आ जाएगा, जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इन वैक्सीन्स को लेकर भी अप्रूवल बहुत जल्दी आपका आने वाला है। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है एक नया मिशन जिसका नाम है आहार क्रांति, जिसका मोटो है उत्तम विचार उत्तम आहार उत्तम विचार, या गुड डाइट गुड कॉग्निशन, UN ने, और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है बिकॉज 2021 जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू UN, जो इंडिया ने स्पॉन्सर भी किया था, उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी माना है, तो उसके मद्देनज़र इस साल का आहार क्रांति इनिशिएटिव को आपका जो हर्षवर्धन साहब हैं उन्होंने एज हिज पोजिशन एज मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने इसको दोस्तों जो है वो आपका लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और डेनमार्क ने अपने हैंड्स उन्होंने अपने आप को उन्होंने ज्वाइन किया है अपने हैंड्स को, एंड अब मतलब दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव कम टुगेदर गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर द अटल इनोवेशन मिशन। बेसिकली जो अटल इनोवेशन मिशन में आपके कई सारे वेरिएंट्स हैं, कई सारे आपके ऑपरेशंस इनिशिएटिव्स हैं, उनको जो इनोवेशन सेंटर डेनमार्क का है वो दोस्तों आपका कोलैबोरेट करेगा, और उसके लिए इंडिया और डेनमार्क ने दोस्तों जो हैं वो एक ही साथ अपना अग्रीमेंट जो है वो दोस्तों किया है। आगे बढ़ें। श्री सुशील चंद्रा द सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर हैज़ रिप्लेस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा एज दी 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके बने हैं। गाइस अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो पहले थे आपके सुकुमार सेन, ठीक है, पहले ये थे, और 23rd कौन थे, 23rd आपके थे सुनील अरोड़ा, ये जो हैं ये बने हैं आपके 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इनकम्बेंट CEC सुनील अरोड़ा जी की जगह ये बने हैं, और फरवरी 15, 2019 को इन्होंने पद संभाला था एज इलेक्शन कमिश्नर, और अब दोस्तों ये इनकी अब जो एकमात्र इलेक्शन कमिश्नर इनके अंडर हैं या इनके साथ हैं वो है राजीव कुमार, और ये अब आपके नए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दोस्तों यहाँ पर बनाए गए हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी जिसका नाम था शांतिर ओग्रोसेन, शांतिर ओग्रोसेन के अंदर 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश,
इसका वेन्यू था आपका बंगा बंधु सेनानिवास। इसका मेन एम है आपका स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस टाइज एंड एनहांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग नेबरहुड कंट्रीज। तो इस शांतिर ओग्रोसेन में जो हमारे इंडियन आर्मी है और उसके अलावा जो भूटान श्रीलंका बांग्लादेशी आर्मी है उन्होंने भी दोस्तों आपका जो है वो पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट में आपके कुछ ऑब्जर्वर्स भी थे, उनके नाम देखिए दिए हुए हैं। उनके नाम यहाँ पर हैं आपके ऑब्जर्वर्स में यूके, रशिया, यूएस, यूके, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर। ये यहाँ पर आपके एज एन ऑब्जर्वर आपके वर्क कर रहे थे और बाकी जो हैं वो आपके इस एक्सरसाइज में आपके पार्टिसिपेट दोस्तों जो हैं वो कर रहे थे। याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। चाइना ने एक्सटेंड किया है सेकेंड ट्रांच ऑफ इट्स लोन टू श्रीलंका और ये सेकेंड ट्रांच जो है वो $500 मिलियन का है। ओवरऑल पिछले साल श्रीलंका ने $1 बिलियन का लोन का सैंक्शन कराया था चाइना से और उसका जो सेकेंड एक्सटेंशन है ऑफ $500 मिलियन उसको दिया है। ओवरऑल जो आपका श्रीलंका है उसने चाइना के साथ $1.5 बिलियन का एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी किया है और ये अग्रीमेंट को आपके AIIB ने सैंक्शन भी किया है। और AIIB ने भी कुछ पिछले इस साल फरवरी में आपका $180 मिलियन देने की लोन देने की बात श्रीलंका को कही है। सो गाइज मैं रिपीट फिर से कर दूं, गाइज चाइना हैज़ प्रोवाइडेड $1.5 मिलियन। गाइज आप लोग ना मतलब फटाफट ज़रा वीडियो को सब लोग शेयर करो जल्दी से, लेट्स क्रॉस 100 पीपल, फटाफट कीप ऑन शेयरिंग गाइज। तो श्रीलंका जो है उसने दोस्तों जो है वो $500 मिलियन जो है उसको एक्सेप्ट किया है फ्रॉम चाइना और ये जो $800 मिलियन हैं, ये $500 मिलियन हैं, ये सेकेंड ट्रांच है। इससे पहला ट्रांच आपका $1 बिलियन का था, उसमें से $500 मिलियन पहले आ गए थे और ये आपके $500 मिलियन अब दोस्तों जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको कि आपको यहाँ पर देखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने बाय किया है AI फर्म नुवंस को जिसकी कीमत है आपकी $19.7 बिलियन। ये डील आपकी हुई है विद कंपनीज जिनके साथ पार्टनरशिप हुई है और बेसिकली ये डील आपकी हुई है फॉर प्रोवाइडिंग दिस एनहैंसमेंट और बेसिकली ये डील आपकी की गई है विद दिस AI फर्म जिसका नाम है आपका नुवंस और ये आपकी एक ऑल कैश डील है। आगे बढ़ें। जब मिस्टर हिदेकी मात्सुयामा हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर जापानीज टू विन अ मेजर टूर्नामेंट, कोई भी मेजर टूर्नामेंट जीतने वाले आपके हिदेकी मात्सुयामा जो हैं वो आपके पहले जापानीज प्लेयर बने हैं। अमेरिकन विल ज़ेल्टोरिस सेकेंड पे रहे, थर्ड पे रहे आपके जॉर्डन स्पीथ एंड सिमिलरली अमेरिकन शफल, बट मिस्टर हिदेकी मात्सुयामा बाय विनिंग द 85th ऑगस्टा मास्टर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर जापानीज जिन्होंने आपका कोई भी मास्टर्स गोल्फ में आपका दोस्तों जीता है। जी प्रगनंदा द चाइल्ड प्रोटेजी एंड नाउ अ टीनेजर हैज़ गेन्ड बर्थ टू द एलीट प्लेयर्स टूर्नामेंट एट द मेल्ट वाटर चैम्पियनशिप बाय विनिंग द पॉलगर चैलेंज। उसको जीतने के बाद जो अगले हफ्ते आपका मेल्ट वाटर चैम्पियंस चेस टूर इवेंट है जिसमें दुनिया के top 10 ग्रैंड मास्टर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें हिस्सा लिया है आपके जी प्रगनंदा ने। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने रेटिफाई किया है RCEP को। इट हैज़ रेटिफाइड द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच इज़ अ 15-nation अग्रीमेंट ऑफ फ्री ट्रेड। इस अग्रीमेंट में आपके आसियान नेशंस के अलावा कई आपके देश हैं जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, उसमें ही सिंगापुर भी है। तो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने इस अग्रीमेंट को आपका रेटिफाई किया है। ये अग्रीमेंट वैसे तो आपका चाइना लीड कर रहा है और इस अग्रीमेंट में इस इंडो पैसिफिक रीजन में आपका एक फ्री ट्रेड कंसेप्ट पे काम किया जाएगा। इंडिया इसका मेंबर था पर इंडिया अब इसका मेंबर आपका दोस्तों नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज़ नाउ लॉन्ग फॉरगॉन इट्स मेंबरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उस चीज़ को भी आपको ज़रा यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस एंड US जो है वो एक 2 वीकली बलिकटन एक्सरसाइज जो है उसको होल्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
एम एस स्वामीनाथन जी को फैसिलिटेट किया गया है उनके वर्क के लिए फॉर टीबी एलिमिनेशन, उस वर्क के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया गया है. एम एस स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. ये एक वेल नोन इंडियन जेनेटिस्ट हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं. बेसिकली इन्हें ये रिनाउंड किए गए हैं अपने सक्सेस के लिए एज अ हाई यील्डिंग वैरायटी. और इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो रैमन मैग्सेसे हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड हो, या अवार्ड या फिर वर्ल्ड फूड प्राइज़ हो, या फिर पद्म भूषण हो, कई सारे अवार्ड इनको दोस्तों जो हैं वो आपके मिल चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. हरियाणा जो है वो अलॉट करेगा 140 एकड़ लैंड फ्लिपकार्ट को फॉर सेटिंग अप द लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया. एशिया का जो सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर है उसको सेटअप करने के लिए फ्लिपकार्ट ने हरियाणा से 140 करोड़ का लैंड अलॉट आपका किया है. आगे बढ़ें. दुनिया की सबसे पलूट इंडिया की सबसे पलूट सिटी में सिटी गाज़ियाबाद, वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पर ये ग्रीन बॉन्ड्स आपके जारी किए जाएंगे फॉर इको फ्रेंडली पर्पसेस. नेक्स्ट, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अपॉइंट किया है सोनू सूद को स्टेट का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर. इन्होंने यहाँ पर इनको प्रोवाइड की इनकी बुक आई एम नो मसीहा, जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है. और इसी मौके पर इन्होंने पंजाब ने इन्हें कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बना दिया. एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है रिवॉर्ड्स 1-2-3 सेविंग्स अकाउंट, जिसमें कई तरह के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. SBI के अगर हम IIT बॉम्बे की स्टडी को माने तो SBI ने 300 करोड़ रुपए आपके कलेक्ट किए हैं फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन द प्रीवियस 5 ईयर्स एज पर एन IIT बॉम्बे स्टडी. उनकी स्टडी की बात माने तो करीब 300 करोड़ रुपए जो है वो SBI ने आपके दोस्तों जो हैं वो कलेक्ट आपके किए हैं. एक्सिस बैंक, जिसने अब फाइनली जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 12.9% का आपका जो स्टेक है उसको दोस्तों यहाँ पर आपका अक्वायर किया है. It has basically acquired 12.9% stake in Max Life Insurance. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 74th BAFTA Awards अनाउंस किए गए और ये अवार्ड्स आपके गोल्डन ग्लोब से के बाद अनाउंस किए गए हैं. इन अवार्ड्स में Nomadland को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला है प्रोमिसिंग यंग वुमन, डायरेक्टर का अवार्ड है क्लोई जाओ को Nomadland के लिए, स्क्रीन प्ले का अवार्ड है प्रोमिसिंग यंग वुमन, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले द फादर, लीडिंग एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड Nomadland के लिए, लीडिंग एक्टर एंथनी हॉपकिंस फॉर द फादर, सपोर्टिंग एक्टर्स यू जोंग यंग मिनारी, डैनियल कैल्यूआ जूडस और ब्लैक मसीहा के लिए सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला है. नेक्स्ट पे आते हैं. इंडियन बिजनेस टाइकून यूसुफ अली MA, जो कि लूलू ग्रुप जो है उसके चेयरपर्सन हैं, उनको UAE का टॉप सिविलियन अवार्ड जो है वो दोस्तों दिया गया है. आगे, इस हफ्ते 11 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ वर्ल्ड पार्किंसंस डे, 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, और रामसी क्लार्क जो कि अटॉर्नी जनरल थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे US में, उनका देहांत हुआ है. ठीक है, पीयूष गोयल साहब ने ई सैंटा एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है. जो ई सैंटा है, बेसिकली ई सैंटा इज़ एन एप्लीकेशन जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर फार्मर्स जाके, एक्वा कल्चर फार्मर्स जाके सेल कर सकते हैं. NACSA का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वा कल्चर, और ई सैंटा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर. ये फुल फॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को आपके जो है वो आपका लॉन्च किया है हमारे पीयूष गोयल साहब ने. आगे बढ़ते हैं. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ 89.6% स्टेक ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द गंगावरम पोर्ट लिमिटेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड. बेसिकली गंगावरम पोर्ट जो कि आपका विशाखापट्टनम में बेस्ड है, इस गंगावरम पोर्ट में 89.6% इक्विटी जो है उसको अक्वायर किया है आपके अडानी पोर्ट्स ने. और ये एक माइनर पोर्ट है जो कि एक मेजर पोर्ट विशाखापट्टनम के दोस्तों पास है. अडानी पोर्ट जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी को आपका अनलिस्ट भी किया गया है फ्रॉम द डाउ जोन्स इंडेक्स इन द US बिकॉज इन पर आरोप है कि ये अलजेडली इन्वॉल्व हैं विद द म्यांमार जनता. उस वजह से भी आपका ये एक रेलिवेंट सा फैक्ट है, उस वजह को भी आपको यहाँ पर दोस्तों जो है वो याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. नीति आयोग ने लॉन्च किया है पोषण ज्ञान, जो कि एक ऑनलाइन डेटाबेस है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पर.
इस महीने का जो आपका थीम है दैट इज एंटी नेटल केयर, वो इस महीने का आपका थीम जो है वो दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। तो मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इस नीति आयोग ने लॉन्च किया है पोषण ज्ञान, जो कि आपका एक डिजिटल रिपोजिटरी है, एक ऑनलाइन एजुकेशन, एक ऑनलाइन आपका डेटाबेस है और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, उसको उन्होंने दोस्तों जो है वो यहाँ पर आपका लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है आपका एक रेयर और एक फादिश गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी। बेसिकली ये जो आपकी गैलेक्सी है इसका नाम है आपका नैरो लाइन सेफर वन गैलेक्सी, जिसको नाम दिया गया है, एंड दिस इज़ द फार्देस्ट गामा रे गैलेक्सी दैट हैज़ बीन सीन सो फार। बेसिकली इसको ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये किया है एरीज ने, दैट इज़ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल ने, उसने इसको दोस्तों आपका ऑब्जर्व किया है। ये जो आपका टेलीस्कोप जिससे ऑब्जर्व किया गया है, वो टेलीस्कोप का आपका लेंथ है 8.2 मीटर्स और ये हवाई में लोकेटेड है आपका। और ये जो आपका एक गैलेक्सी है ये हमारे अर्थ से 31 बिलियन लाइट ईयर्स आपका दूर है। आगे बढ़ते हैं, असम के अंदर आपका एक मिशन था जिस मिशन का नाम था आपका IRV इंडो राइन, दैट इज़ द इंडो राइनो विजन 2020, जिसमें 3000 राइनोज़ को पॉपुलेट करने का कंडीशन था। तो गाइज आपके 3000 राइनोज हो चुके हैं और ये तीन सेंचुरीज में करने की प्लानिंग थी, मानस नेशनल पार्क में, मानस, काजीरंगा और ओरांग, सब में तो नहीं हो पाए, पर हाँ ओवरऑल 3000 आपके राइनोज जो हैं वो आपके पॉपुलेट हो चुके हैं इन असम। तो वो मिशन आपका ख़त्म होता है। राइटर्स दैट इज़ अ न्यूज़ एजेंसी, उसकी बनी है फर्स्ट एवर वुमन एडिटर इन चीफ, जिनका नाम है आपका अलेसांद्रा गलोनी, एंड 170 साल की हिस्ट्री में दोस्तों ये बनी है और स्टीफन एडलर की जगह इनको अपॉइंट किया गया है। जून 1 की बात करें तो जून 1 से आपका जो हॉलमार्किंग है ज्वेलरी की वो ज़रूरी होगा 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड में, और अगर नहीं होगा तो उसको 5 गुना पैसा देना पड़ेगा और 1 साल की सज़ा उसे हो सकती है। केन विलियमसन जो हैं उन्होंने जीता है आपका रिचर्ड हैडली मेडल, ये मेडल उन्होंने जीता है अक्रॉस फॉर्मेट्स, और इनके अलावा उन्हें टेस्ट प्ले ऑफ द ईयर का अवार्ड भी आपका मिला है, और डेविन कॉनवे को मिला है मेंस ODI और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। HAL ने दोस्तों बैक किया है टॉप अवार्ड फॉर इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, ये अवार्ड उनको दिया गया है एट दी 30th नेशनल अवार्ड सेरेमनी, यहाँ पर उन्हें फर्स्ट प्लेस मिला है इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस में। ये जो अवार्ड दोस्तों है ये इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने, और ये आपका 1970 में बेस्ड है और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, उसने ही HAL को आपका ये सम्मान जो है वो दोस्तों दिया है। आगे बढ़ें, एमिनेंट हिस्टोरियन थे लखनऊ के, जो लखनऊ के बारे में, अवध के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे, जिनका नाम है योगेश प्रवीण, इनका देहांत हुआ है और ये पद्मश्री अवार्डी भी थे 2019 के, और ही हैज़ रिसेंटली गाइस पास्ड अवे। डेविस कप की बात करें तो डेविस कप आपका 3 शहरों में खेला जाएगा, ट्यूरिन, इंसब्रक और मैड्रिड, और इंसब्रक ऑस्ट्रिया में है, ट्यूरिन आपका इटली में है और मैड्रिड स्पेन में है, जहाँ पर मैड्रिड में आपका जो फाइनल्स है वो आपका खेला जाएगा। भारतीय एक्सा और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अग्रीमेंट किया है बैंक इंश्योरेंस पर, ठीक है, और ये अग्रीमेंट में जो आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भारतीय एक्सा के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को आपका सेल करेगा। पूनम गुप्ता जो कि अब लीड करेंगी NCER को, दैट इज़ द नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द NCER एंड शी हैज़ रिप्लेस शेखर शाह एज द करंट हेड ऑफ द NCER। गुप्ता जो हैं वो लीड इकोनॉमिस्ट का रोल प्ले कर चुकी हैं वर्ल्ड बैंक में, और NCER के हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो न्यू दिल्ली में हैं, और इसकी शुरुआत आपकी 1956 में दोस्तों हाल ही में आपकी 1956 में आपकी की गई थी। नोमूरा ने कहा है कि इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है वो आपका 12.6% पे रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। अगर हम नोमूरा की बात माने या फिर IMF की बात माने तो आपका 12.5% पे रहेगा, पर अब अगर COVID-19 पैंडेमिक रहा तो ये जो आपका रेशियो है ये कम होने के पूरी संभावना है। गुनीत मोंगा द प्रोड्यूसर ऑफ मूवीज लाइक मसान, लंच बॉक्स, हरामखोर, पेडलर्स, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स,
Chevalier d'Arne Erard des Arts des Lettres, which is the second highest civilian French honor given to any person, and ये award गुनीत मोंगा को आपका दिया गया है. 15 अप्रैल को गाइस वर्ल्ड आर्ट्स डे होता है. आगे बढ़े. जापान रिलीज करेगा 1 मिलियन टन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इन द सी. बेसिकली जो फुकुशिमा है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ आइसोटोप जो कि रिवर वाटर में है, और उनसे बचने के लिए इसे बंद कर दिया गया था. बट अब इसमें रिलीज जो वाटर है वो किया जा रहा है, और ये अथॉरिटी दी गई है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर को कि वो उस वाटर को रिवर वाटर में आपका रिलीज कर सके. आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोजन राउंड टेबल इवेंट, हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग आपका इनॉग्रेट किया गया. इसको इनॉग्रेट किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है एनर्जी फोरम ने और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोल इंडस्ट्री ने. इसका मेन एम है डिस्कस करना इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम्स को और एक्सप्लोर करना अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोलिशन. तो ये जो आपका एक इवेंट है, ये इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया गया, ये इवेंट आपका हाइड्रोजन इकोनॉमी कंसेप्ट पर आपका फोकस करता है. बेसिकली इट ऑल्सो मैंशंस द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसमें इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की बात है. ओवरऑल 175 गीगावाट तक करने की बात है, जिसको यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा. आगे बढ़ें. एक इलेक्ट्रिक नोज आपका डेवलप किया गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से और मोनोमर से, जो कि सूवर्स में हाइड्रोजन सल्फाइड को आपका जो है वो आपका ट्रैक करेगा. और ये जो आपका नेक्स्ट आए, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसने एक ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल आपका जो है वो लॉन्च किया है. ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑन द 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न श्री बी आर अम्बेडकर जी के, उस मौके पर इसको जो है ये आपका अनाउंस किया गया है. इसे डिज़ाइन किया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने. बेसिकली NCSC हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 338, और ये जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट के मामले हैं उनको ये आपका सेफ गार्ड करता है. अटल इनोवेशन मिशन और डसॉल्ट सिस्टम्स की फाउंडेशन ने अनाउंस किया है अपना एक पार्टनरशिप फॉर सीडिंग द फ्यूचर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. बेसिकली जितने भी डिजिटली रिच इकोसिस्टम है इनोवेशन के, उनको ये आपका एनहांस करेगा. DFCF ने इसके अलावा डेवलप किया है एक रेडी टू यूज़, मतलब डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन, उसने एक डेवलप किया है रेडी टू यूज़ वेल डॉक्यूमेंटेड सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग कम इंस्ट्रक्शन प्लेबुक, जो कि एम रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को आपका हेल्प करने वाली है. राजस्थान जो है उसको मिला है अपना पहला वेलनेस रिसोर्स सेंटर, जिसका जो कि मिला है उसको इन कोलैबोरेशन विद इंडस वेलनेस को ट्रस्ट ऑफ सिलिकॉन वैली, और ये आपका जयपुर में आपका ये सेंटर बना है. फॉर्मर CEC कृष्णमूर्ति साहब का दोस्तों देहांत हो गया है. ही हैज़ रिसेंटली गाइस पास्ट अवे. इनका दोस्तों जो नाम है, इनका नाम है आपका श्री GVG कृष्णमूर्ति, एंड ही हैज़ रिसेंटली पास्ट अवे. नाटो एंड ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद US, तीनों ही जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री, आपकी एग्जिट करेगा अफगानिस्तान को ऑन September 11. तो चाहे वो 7,000 सोल्जर्स हों आपके नाटो के या 25 सोल्जर्स US के हों, वो सारे आपके आपके एग्जिट करेंगे अफगानिस्तान से बाय September 11. पोंजा स्कीमर जिनका नाम है बर्नी मडॉफ, ही हैज़ पास्ट अवे. इनका देहांत हुआ है. इनका जो फ्रॉड था वो सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाता है वॉल स्ट्रीट का. ही स्ट्रीक को 8 साल का बैन लगाया गया है फ्रॉम ऑल क्रिकेट आफ्टर ही एक्सेप्टेड 5 charges ऑफ करप्शन इन द ICC एंटी करप्शन कोड. और 2017-18 में उन्होंने कई गेम्स में करप्शन किया है, जिस वजह से उनको बैन लगा दिया गया है. वर्ल्ड चैगस डे आपका 14 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है. चैगस डे, चैगस डिजीज़ आपका एक साइलेंट डिजीज़ है जो कि पुअर पीपल में विदाउट, जिनके पास हेल्थ केयर नहीं है, और ये धीरे धीरे ही अपने जो अपना जो एक सिम्टम है उसे दोस्तों प्रोवाइड करता है. उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे एक सेंट्रल एशिया नाम से एक ट्रेड सेंटर जो है उसको दोस्तों आपका अनाउंस किया है. अ ट्रेड सेंटर हैज़ बीन अनाउंस्ड एट द सेंटर एट द बॉर्डर्स ऑफ द सेंट्रल एशिया सेंटर. और बेसिकली ये कंप्लीशन के बाद ये एक लार्ज प्लेटफॉर्म होगा जिसमें करीब 35,000 लोग आके ट्रेड कर पाएंगे, आके बिजनेस कर पाएंगे, और ये सेंटर आपका इसी बॉर्डर पे आपका बनाया गया है. रैंकिंग आई है दोस्तों आपकी. द रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रैंकिंग्स. इन रैंकिंग्स में आपका जो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आया है, उस डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों जो नाम आपके सामने है, वो नाम आपके सामने है दोस्तों उधमपुर. सिमिलरली अगर हम स्टेज की अगर हम बात करें
स्टेट की, तो स्टेट में आपका नंबर वन पे दोस्तों आया है छत्तीसगढ़, सेकंड पे आपका आया है यूके, एंड थर्ड पे आपका आया है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये नाम यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो हैं वो दिए हुए हैं, वो आप स्क्रीन पे नाम भी दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। एंड यस, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने दोस्तों लॉन्च किया है एक ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने। इसका मेन मकसद है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे प्रमोट करना और क्विक एक्सेस प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन का टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। और इस ऐप को TCS ने जो है वो आपका डेवलप किया है। बोहाग बिहू बर्ड काउंट आपकी हुई है, ये बोहाग बिहू बर्ड काउंट आपकी असम में हुई है। इसको लॉन्च किया है बर्ड काउंट ऑफ इंडिया ने, और ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है जब बर्ड काउंट ऑफ इंडिया बोहाग बिहू को असम में आपका काउंट कर रही है। सिद्धार्थ लोकजाम जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया की ड्रग टेस्टिंग एजेंसी नाडा का, ड्रग स्पोर्ट एजेंसी नाडा का आपका चेयरपर्सन ऑलरेडी हो चुका है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मेंस क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार को, वुमेंस क्रिकेट में आपका लिजेल ली को। ODI रैंकिंग्स की बात करें तो बाबर आजम अब दुनिया के नंबर एक ODI बैट्समैन हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज लॉ बना है फाइनेंशियल फर्म्स के लिए, और ये लॉ आपका जो है उसका मेन टारगेट है कि 2050 तक हम जो हमारा देश है उसे दोस्तों कार्बन न्यूट्रल कर दें, वहाँ तक ये आपका टारगेट है। और इसके लिए जो इंश्योरर्स हैं, बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, उन्हें जो उनका इम्पैक्ट है उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर, उसको भी फंड करने की प्लानिंग है। इंडिया ने जो नेशनल डायलॉग है UN फूड सिस्टम्स का, उसको होस्ट किया है। UN फूड सिस्टम समिट आपका सितंबर में होगा, पर उसका नेशनल डायलॉग है उसको 12 अप्रैल को आपका दोस्तों इंडिया में होस्ट किया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड से उसको आसान किया है। अगर आप 20 वर्ष से पहले इंडिया आए थे और आपको OCI कार्ड मिला था तो 20 वर्ष के बाद आपको एक बार इशू कराना पड़ेगा, पर अगर आपने 20 वर्ष के बाद आपने OCI इशू कराया है तो आपको फिर से उसे रीइशू कभी नहीं कराना पड़ेगा, एक ही बार में चल जाएगा। इंडिया ने ई वीज़ा रिस्टोर किया है 156 कंट्रीज़ के लिए, जहां पर इंडियंस आपके बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मेडिकल रीजंस के लिए आपके जा सकते हैं। इनमें आपका जो एक्सक्लूजन है जहां पर के लिए रिस्टोर नहीं किया है उनके नाम है चाइना, UK, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरेबिया, इनके लिए एक्सक्लूड किया है, बाकी आपके लिए उसने ई वीज़ा रिस्टोर किया है। ई वीज़ा आपके 5 कैटेगरीज में होता है, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा या मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, उनके लिए अप्रूवल जो है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। WPI जो है वो आपका क्विकन हुआ है 7.4%, और ये आपका इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कंडीशंस। WPI को आपका रिलीज़ किया है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जनरल ट्रेड में आपका वर्क करते हैं। RBI ने एक नई अथॉरिटी बनाई, इसका नाम है रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी का हेड बनाया है M. राजेश्वर राव साहब को, जो डिप्टी गवर्नर हैं, और ये आपका एक साल तक वैलिड रहेगा, और ये रिव्यू करेगा आपके और रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस को, चाहे वो RBI की हों या RBI द्वारा हों, ताकि उनको वो उनका एक रिपोर्ट वो RBI को आपका प्रेजेंट कर सके। सिटी बैंक जो अपनी रिटेल बैंकिंग है, जो एक नॉर्मल बैंकिंग है, उसको इंडिया से एग्जिट करेगा, इंडिया से भी और आपका चाइना से भी। विराट कोहली बने हैं विजडन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड, दैट इज 2010, और इस साल के ODI प्लेयर ऑफ द ईयर हैं आपके क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं आपके बेन स्टोक्स। सिमिलरली 1990s के आपके ODI क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, और 1980s के क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं डिकेड हैं आपके कपिल देव। विवियन रिचर्ड्स को 1970s का प्राइज़ मिला है, और मुथैया मुरलीधरन को आपका 2000s का आपका दोस्तों जो है वो प्राइज़ दिया गया है, दैट इज़ द प्लेयर ऑफ द डिकेड। इंडिया फ्रांस ने अग्रीमेंट साइन किया है कोऑपरेशन के ऊपर फॉर गगनयान मिशन। इसके अलावा सोफिया, जो कि दुनिया की पहली आपकी ह्यूमनाइड थी, और उनकी सिस्टर को डेवलप किया जा रहा है, और ये डेवलप आपका दोस्तों किया जा रहा है बाय द वेरी सेम एजेंसी इसके। हाँ, आगे बढ़ें। इसी के साथ हम आपसे दोस्तों विदा लेते हैं, बाकी हमारा ब्रह्मास पैकेज अवेल कर लीजिए, माता 60 कोड है आपका, उसको अवेल कर लीजिएगा और आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ें। एक डेडली एल्गी जो है उसने करीब 4000 टन ऑफ सैल्मन को किल कर दिया है चिली में,
ये एल्गी जो है वो वाटर में ब्लूम की है, और इसने जो ऑक्सीजन है वाटर में उसको रिड्यूस किया, जिससे आपके करीब 4,000 टन सैल्मन जो हैं वो आपकी फिशेज मर गई हैं। और ये ब्लूम तब आया बिकॉज़ यूरिया और अमोनिया का मिक्सचर था सैल्मन फार्म से, और उस वजह से ये आपका दोस्तों हुआ है। चिली जो है दोस्तों वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका सैल्मन का आफ्टर नॉर्वे, वहाँ पर ये घटना आपकी हुई। इंडिया का जो पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट है वो आपका महाराष्ट्र में आया है, और ये आपका अराइव किया है एच एनर्जीज जयगढ़ टर्मिनल में महाराष्ट्र में। बेसिकली ये सेल किया फ्रॉम केपल शिपयार्ड इन सिंगापुर, और फिर ये जयगढ़ टर्मिनल पर आपका दोस्तों आ गया है। फेसबुक ने इंडिया के साथ पहली डील साइन की है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। दे हैव साइंड द फर्स्ट एवर डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। बेसिकली इसके लिए एक 32 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट आपका जो कि सदर्न कर्नाटका में लोकेटेड है वहाँ पर लिया जाएगा, और बेसिकली इसके लिए मुंबई बेस्ड क्लीन मैक्स और फेसबुक मिलकर काम करेंगे। कंपनीज लाइक अमेजोन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी कार्बन फ्री अचीव नेट जीरो अमीशंस के लिए आपका ऑपरेट करने की बात की है, प्लेज किया है। और इसी इसी बेसिस पर जो फेसबुक है उसने कर्नाटका में एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अग्रीमेंट किया है जो कि एक 32 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट के लिए होगा। मोबाइल ऐप जिसका नाम है आपका मान, जिसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है जो कि मेंटल वेलबींग को अक्रॉस एज ग्रुप्स आपका प्रमोट करेगा। इसको अप्रूवल दिया है आपका नेशनल प्रोग्राम बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने। मानस का मेन मकसद है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना 15 से 35 वर्ष के लोगों के अंदर। मानस का फुल फॉर्म है, मानस का मेन मोटो है उत्तम मन सक्षम जन, ये इसका आपका मेन मिशन है। फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप को अक्वायर करेगा, इसमें कुछ खास नहीं है। आरबीएल बैंक मास्टर कार्ड ने ऑफर किया है एक अपने तरह का पहला पेमेंट फंक्शनैलिटी। इस फंक्शनैलिटी का नाम है द पे बाय बैंक ऐप। बेसिकली कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड आप कर पाओगे थ्रू दिस एप्लीकेशन, इन स्टोर भी और ऑनलाइन भी। आपको कुछ और एक्सेस नहीं लेना पड़ेगा, आप इसके थ्रू आप किसी को भी आप किसी भी ऐप पर ऑनलाइन या इन स्टोर जाकर आप पेमेंट इस ऐप से कर पाओगे। नेक्स्ट, सेविया जो है वो होस्ट सिटी है आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है कि 2025 जो है उसे वो 25 तक वो देश को स्मोक फ्री आपका बना देगी, और सिगरेट्स पर टोबैकोज पर वो कंप्लीट बैन लगा देगी बाय 2004। फ्रांस ने एक सेक्सुअल कंसेंट के ऊपर जो एज है 15 उसको लेकर एक हिस्टोरिक बिल आपका पास किया है जिसमें 15 वर्ष से कम अगर कोई किसी किसी ने आपका किसी ने रेप किया तो उस किसी किसी के साथ किसी बच्चे के साथ सेक्स किया तो वो आपका एक रेप माना जाएगा और उसे 20 साल तक की सज़ा जो है वो दोस्तों आपकी घोषित की जाएगी। ही विल बी गिवन 20 ईयर्स इन जेल, ये अपडेट यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिया गया है। फेसबुक ने इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है उसको दोस्तों लॉन्च किया है। इस इंडेक्स को लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ फेसबुक EIU ने। इस इंडेक्स में इंडिया 49th रैंक पे है, स्वीडन आपका फर्स्ट पे है, और बुरुंडी आपका जो है वो यहाँ पर लास्ट रैंक पर दोस्तों बना हुआ है। नासा जो है वो लॉन्च करेगा आपका स्पेस एक्स क्रू टू जो कि इसका सेकेंड क्रूड ऑपरेशनल फ्लाइट है फ्रॉम द क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, और ये वर्ल्ड अर्थ डे के दिन आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च करेगा। जो क्रू ड्रैगन है इट इज़ द फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू लॉन्च ह्यूमंस फ्रॉम अमेरिकन सॉइल इन 9 ईयर्स, और पहली बार मई 2020 में इसको जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सेंटर ने आपका अप्रूवल दिया है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कोवैक्सिन टेक्नोलॉजी टू हैफकिन इंस्टीट्यूट, इसको उन्होंने अप्रूवल दिया है जिसमें जो हैफकिन है वो एक साल के लिए इस कोवैक्सिन ड्रग को वैक्सीन को आपका डेवलप करेगा। पीयूष गोयल साहब ने जो मीटिंग है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की उसको चेयर किया है फॉर स्टार्टअप इको सिस्टम इन द कंट्री। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा आपका सेमिनार ब्रिक्स का ऑन द मिसयूज ऑफ इंटरनेट बाय टेररिस्ट। हाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं आपके क्लॉड जोसेफ, जो अभी वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके ऑफ द हाइटी कंट्री। अजय सेठ बने हैं भारत के नए इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी। फॉर्मर सीबा डायरेक्टर रंजीत सिन्हा जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे उनका देहांत हुआ है 68 में दिल्ली में।
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने जीता है गोल्ड मेडल बाय सरिता मोर इन 59 kg कैटेगरी एंड बाय सीमा बिस्ला एंड पूजा इन द 50 kg 70 kg में ब्रॉन्ज आपका यहाँ पर जीता है. सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड गाइस. थैंक यू सो मच आपका आने का. वीडियो को शेयर कीजिएगा भर भर के, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज. बाय गाइज एंड टेक केयर एवरी वन. बाय. थैंक यू सो मच.